हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो लास्ट वीडियो में देखिएगा मैंने आपको ये डिज़ाइन बनाना बताया था और आज की वीडियो में मैं इसका वी नेक और आरमोल आपको बनाना बताने जा रही हूँ ठीक है तो ये जेंट स्वेटर है जिसे मैं एक्सल साइज़ के लिए बना रही हूँ तो एक्सल और डबल एक्सएल को ये आराम से आ जाएगा तो पूरा मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप जो है बनाने जा रही हूँ मैं तो दोनों साइड का मैंने इसमें बताया है आपको दोनों साइड से कैसे बनाना है और फ्रेंड्स आरमूल की कटिंग तो बहुत पेशेंस लगेगा क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है और फ्रेंड्स ये जो डिज़ाइन मैंने आपके साथ में लास्ट टाइम शेयर किया था तो आपने इसे बहुत पसंद किया लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि मैम ये डार्क कलर की वजह से विजिबल नहीं हो रहा है तो फ्रेंड्स से मेरा सेकंड चैनल भी है जहाँ पर कि मैं सिर्फ नेटिंग पैटर्न बनाना बताती हूँ तो नेटिंग पैटर्न वहाँ पर मैंने एक से एक बढ़िया डाले हुए हैं और उसका भी लिंक मैं जो है टाइटल के साथ भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी तो वहां जाकर के आप इस डिज़ाइन को दोबारा देख लीजिएगा वैसे मैं दोनों चैनल पर सेम टू सेम डिज़ाइन नहीं बनाती हूँ यहाँ पर मेरे डिज़ाइन अलग रहते हैं और वहां पर अलग रहते हैं ठीक है तो आपको वहां पर कुछ बहुत अच्छा कुछ नया नया मिलेगा तो आप एक बार विज़िट कर लीजिएगा तो इस इस डिज़ाइन को क्योंकि रिक्वायरमेंट थी आप लोगों की कि ये डार्क कलर में विजिबल नहीं हो रहा है तो मैंने इसको लाइट कलर में बना करके उस चैनल पे अपलोड किया हुआ है ठीक है तो आप इस डिज़ाइन को एक बार वहां से देख लीजिएगा और यहाँ पर फिर मैं इसका वीनेक और आर्मोल आपको आज बताने जा रही हूँ और इसमें जो फंदे फिर मैं उठाऊंगी गले में और आर्मोल में उसके लिए फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट आपको और करना पड़ेगा उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी ठीक है तो चलिए फिर देखते हैं हम इसका गला कैसे घटाएंगे आर्मोल कैसे घटाएंगे और अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं हम इसको और पेशेंस बनाए रखिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है आइए स्टार्ट करते हैं देखिए आरमोल तक मैंने इसकी लेंथ को तैयार कर लिया है तो मैंने इसकी लेंथ रखी है अट्ठारह इंच एक बार मैं आपको चेक करा देती हूं उसकी लेंथ तो आपको क्या करना है कि आरमोल के ऊपर इंची टेप रख के और नीचे तक जितनी लेंथ आपको चाहिए उतनी लेंथ आप ले लीजिएगा उतनी लेंथ तक आपको सिंपल बनाना है ये देखिए मैंने यहां पे इसको 18 इंच तक बना लिया है और अब हम क्या करेंगे अब हम एक ही रो में विगला भी हमें घटाना है और आरमूल भी घटाना है तो क्या करेंगे हम देखिए मेरे पास यहां पर निडल में है एक सौ उनतीस वंदे वन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन स्टिचे मेरे पास यहां हैं जिसमें से कि हाफ मैं इधर करूंगी हाफ इधर करूंगी सेंटर पॉइंट में मैं मार्कर लगा लूंगी ठीक है तो 64 मैंने इधर कर लिए हैं 64 मैंने इधर कर लिए हैं और ये जो मेरा सेंटर वाला फंदा है इसमें मैंने यहाँ पर मार्कर लगा लिया है ठीक है तो यहाँ पर इस डिज़ाइन में तो ऑलरेडी हमारे पास और नंबर में फंदे हैं इसलिए हमें सेंटर पॉइंट निकालना बहुत आसान हो गया लेकिन अगर आपके पास ये डिजाइन नहीं हो कोई और डिजाइन हो और उसमें आपको वी गला बनाना हो और आपके पास उसमें इवन नंबर में फंदे हों यानी कि जोड़े के हिसाब से फंदे हों तब आप क्या करोगे तब आपको बीच वाले दो फंदों का पहले एक बना लेना है ठीक है आधे फंदे हम इधर कर लेंगे आधे फंदे हम इधर कर लेंगे बीच वाले दो फंदों को फिर आप पहले ही एक बना लेंगे ठीक है ये सेंटर पॉइंट हमें वी नेक में बहुत काम आने वाला है तो अब हम घटाएंगे इधर से आरमूल इस साइड से हम आरमूल घटाएंगे और इधर से हम वी नेक घटाएंगे तो क्या करेंगे हम देखिए अब यहां पर आप समझिएगा क्योंकि ये स्वेटर मैं एक्सल साइज के लिए बना रही हूं यानी कि 42 को भी आएगा 44 को भी आएगा और 46 को भी आराम से आ जाएगा ठीक है क्योंकि वुलन जो होती है वो थोड़ी सी स्ट्रेचेबल होती है इसलिए 46 साइज को भी आराम से आ जाएगा तो इसके लिए हम आर्मोल क्या करेंगे आरमूल हम इसमें जो घटाएंगे वो देखिए थोड़ा सा डीप घटाना है हमें तो हम पहले घटाएंगे पांच फंदे फिर चार फिर तीन फिर दो फिर दो फिर एक एक, एक। इस तरह से टोटल फंदे हमारे जो हैं एक साइड से वो बीस फंदे घट जाएंगे तो जब भी हम एक्सल के लिए बनाते हैं स्वेटर तो उसमें हम जो आरमूल घटाते हैं वो थोड़ा सा डीप घटाते हैं ठीक है ताकि शोल्डर से हमारा जो स्वेटर होगा फिर वो गिरेगा नहीं नीचे तो यहां से हम घटाना शुरू करेंगे कैसे पहले पांच फिर चार फिर तीन फिर दो दो एक, एक, एक। देखिएगा पहले हमने दो फंदों का एक बना लिया फिर इस फंदे को वापस हमने नींडल में डाला और फिर से हमने दो का एक बना लिया तो दो फंदे घट गए हमारे अब वापस से हम इसको नीडल में डालेंगे फिर से आगे वाले फंदे के साथ में इसको लेके फिर से हम एक बना लेंगे तीन फंदे घट गए और अब चार फंदे घट गए और सेम इसी तरीके से एक फंदा हम और घटाएंगे। तो हमारे पास घट गए पांच फंदे अब हम अपने डिजाइन को कंटिन्यू करेंगे देखिए एक फंदा हमारा सीधा आएगा जो हमारा इसके ऊपर आ रहा है डिज़ाइन के ऊपर यह फंदा हमारा सीधा आएगा और एक फंदा उल्टा जो भी आपका पैटर्न है वो पैटर्न को आप कंटिन्यू करिएगा अब यहाँ पर देखिए हम गले की साइड आ गए तो जहाँ पर जिस रो में हमने आरमोल घटाया है अब इसी तरफ हमें इसी रो में ये गला भी घटाना है तो देखिए ये दोनों फंदे जो हैं हमारे इन दोनों को हम एक बुन लेंगे यहाँ पर हमारा एक फंदा घट गया ठीक है और ये जो सेंटर पॉइंट है ये हमने पहले ही निडल में डाल लिया है तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे जब हम इस साइड का गला भी बनाएंगे तभी भी इस वाले फंदे को हम अलग रहने देंगे तो आप देखते रहिएगा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी तो ये हमने यहाँ पर एक फंदा घटा दिया अब हम आएंगे सेकंड रो में देखिए सेकंड रो में जो हमारा डिजाइन है वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगा हमें कुछ नहीं करना है ये देखिए इस फंदे को हमने स्लिप कर लिया और हमने पूरी रो को सीधा बनाया तो आपका डिज़ाइन जो भी है लेकिन इस साइड में हमें सेकेंड रो में हमें कोई भी फंदा नहीं घटाना ठीक है तो यहां पर जो स्टार्टिंग में हमें फंदा घटाना होता है नेक की तरफ से वो हमें इधर ही घटाना है तो अब देखिएगा अब हम आ गए आरमोल की तरफ तो क्या करेंगे हम ये जो हमारा लास्ट वाला फंदा है इसे हम नहीं बुनेंगे इसे हमें स्लिप करना है तो पहले हम अपने धागे को आगे कर लेंगे फिर हम इसको स्लिप करेंगे तो धागा आगे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा डिजाइन ही ऐसा है ठीक है तो वैसे धागा इसी तरफ रहेगा अगर कोई और डिज़ाइन रहेगा तो इसी तरफ रहेगा और अगर आपका डिज़ाइन भी आपका धागा भी पीछे हो तो उसको आप पहले आगे कर लीजिए उल्टी साइड में तो अब क्या करेंगे अब हम घटाएंगे चार फंदे पहले हमने पांच घटाए थे अब हम चार घटाएंगे तो क्या करेंगे हम देखिए ये फंदा लास्ट वाला जो हमने स्लिप किया था इसको हम पहले इसके ऊपर से उतार देंगे तो हमारा एक फंदा घट गया अब हम इस फंदे को लेफ्ट वाली नीडल में डालेंगे और फिर से हम अब इन दोनों का एक बनाएंगे दो फंदे घट गए वापस इधर इधर डालेंगे तीन फंदे हमारे घट गए और अब एक बार हम लास्ट टाइम घटाएंगे ये हमारे चार फंदे घट गए और अब हम अपने डिज़ाइन को करेंगे कंटिन्यू कर देखिए और अब आएंगे हम गले की तरफ तो अब फिर से हम लास्ट वाले दो फंदों को इस तरीके से फ्रंट लूप से एक बना देंगे ठीक है तो स्टार्टिंग के पांच फंदे हम हर रो पे घटाएंगे जब भी हम सीधी साइड में आएंगे तभी हम यहाँ पर एक फंदा घटा देंगे तो स्टार्टिंग में पांच फंदे हम इसी तरीके से घटाएंगे और इधर रॉन्ग साइड में हमें कुछ नहीं करना रॉन्ग साइड में हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे बाकी जो हमारा डिजाइन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे और जब हम आएंगे आर्मोल की तरफ तो लास्ट वाले फंदे को हम स्लिप करते जाएंगे अब हम घटाएंगे इस साइड से तीन फंदे देखिए पहले स्लिप किए हुए फंदे को इसके ऊपर से उतारेंगे और अब इस फंदे को लेफ्ट साइड में डाल के दो का एक बनाएंगे ये हमारे घट गए तीन फंदे अब हम अपने डिजाइन को कंटिन्यू करेंगे अब नेक की तरफ फिर से हम एक फंदा घटा देंगे देखिएगा अब फिर से आ जाएंगे हम आरमूल की तरफ लास्ट वाले फंदे को स्लिप करेंगे और अब सीधी साइड से इस बार हम घटाएंगे दो फंदे देखिए एक फंदा घट गया हमारा और अब दो फंदे घट गए अब डिजाइन को करेंगे कंटिन्यू और अब गले की तरफ ये हमारा फोर्थ फंदा है देखिए। चार फंदे अभी तक हम हर रो में यहां पर घटा चुके हैं उल्टी साइड में हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे और अपने डिजाइन को कंटिन्यू करेंगे और आरमूल की तरफ फिर से हम धागे को आगे करके लास्ट स्टिच को स्लिप कर लेंगे और अब फिर से हम दो फंदे घटाएंगे दो दो फंदे हमें दो बार घटाने हैं ठीक है लास्ट टाइम हमने यहाँ पर दो फंदे घटाए थे अब एक बार हम फिर से दो फंदे घटाएंगे ये एक फंदा घट गया हमारा और ये दो फंदे घट गए अब देखिए ये नेक के साइड में हमारा ये लास्ट फंदा है जो हमने लगातार घटाया है ठीक है पांच या छह फंदे हमें लगातार घटाने हैं नेक की तरफ से अब हम क्या करेंगे एक रो छोड़ देंगे और फिर थर्ड रो पे यानी कि हमने यहाँ पर घटाया एक रो हम उल्टी बनाएंगे एक सीधी बनाएंगे और दो तीन एक हम घटाएंगे फिर फोर्थ रो में हम हर बार इसी साइड में इसी तरीके से फंदे को घटाते जाएंगे ठीक है तो एक बार हम नहीं घटाएंगे एक बार घटाएंगे अब इस तरीके से हम फंदों को घटाते हुए जाएंगे इस तरफ से और अभी आरमोल की कटिंग भी हमारी खत्म होने वाली है तो यहां पर अभी हम घटा लेते हैं ये गले की तरफ से पहले फंदे को स्लिप करके आपने डिजाइन को कंटिन्यू रखना है हमें अब आरमोल की तरफ फिर से हमें ऐसे ही करना है स्टिच को लास्ट स्टिच को हमें स्लिप कर लेना है तो अब हम क्या करेंगे पांच चार तीन दो दो इतने हम घटा चुके हैं अब हम एक एक, एक तीन बार घटाएंगे इस साइड से एक एक फंदा देखिए स्लिप स्टिच को इसके ऊपर से उतार देना है और बाकी अपने पैटर्न को हम करेंगे कंटिन्यू अब देखिए हम गले की तरफ आगे और इस बार हम कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे ठीक है तो एक बार हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे अगली बार जब हम इस साइड में आएंगे तब हम फंदे को एक फंदा घटाएंगे सेम इसी तरीके से जो हमने यहां पर घटाया रॉन्ग साइड में पहले फंदे को स्लिप करके धागा पीछे करेंगे और पूरी रो को हम सीधा बनाएंगे जो भी हमारा डिजाइन है वो हम कंटिन्यू करेंगे अब आएंगे आरमूल की तरफ धागा आगे करके फिर से हम लास्ट स्टिच को स्लिप कर लेंगे अब एक फंदा हम फिर से घटाएंगे और अपने डिजाइन को कंटिन्यू करेंगे अब देखिए हम गले की तरफ आ गए इस बार हम गले की तरफ से एक फंदा घटा देंगे ठीक है तो गले की तरफ अब हमें क्या करना है एक बार हम फंदा नहीं घटाएंगे और एक बार हम फंदा घटाएंगे सीधी साइड में और रॉन्ग साइड में पहले फंदे को स्लिप करेंगे धागा पीछे करके अपने पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे और अब आरमूल की तरफ देखिए ये हमारा लास्ट स्टिच इस बार हमें घटाना है देखिएगा सीधी साइड से सी। स्लिप किए हुए फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे और बाकी अपना डिज़ाइन जो है उसको हम कंटिन्यू करेंगे अब हम गले की तरफ आ गए हैं और इस बार हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे देखिए और रॉन्ग साइड में स्लिप करेंगे पहले फंदे को और पूरी रो को हम बनाएंगे सीधा अब आर्मूल की तरफ हमारी कटिंग बंद हो गई है इसलिए आर्मूल की तरफ अब हमें लास्ट वाले फंदे को स्लिप नहीं करना है ठीक है ये देखिएगा कितनी ब्यूटीफुल इसकी जो गुलाई है वो आई है तो लास्ट वाला फंदा जब हम स्लिप करते हैं ना कटिंग के लिए तब हमारी ये फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी आती है अब हम पहले फंदे को स्लिप करते जाएंगे आरमूल की तरफ से बाकी अपने डिज़ाइन को हम कंटिन्यू रखेंगे देखिए अब हम गले की तरफ आ गए इस बार हम गले की तरफ एक फंदा घटाएंगे ये देखिएगा ठीक है तो आर्मोल की तरफ अब हमारी कटिंग बंद हो गई है और गले की तरफ अब हम हर फोर्थ रो में एक एक फंदा इसी तरीके से घटाएंगे और इसकी लेंथ को हम कर लेंगे साढ़े नौ इंच ठीक है तो अट्ठारह इंच पे हमने आरमूल घटाना शुरू किया और आरमूल घटाने के बाद यहाँ से ये वाली रो से यहां से अब हम साढ़े नौ इंच तक इसको ऐसे ही बनाएंगे गले की तरफ से घटाते जाएंगे आरमूल की तरफ से हमारी घट कटिंग जो है वो बंद हो गई है और गले की तरफ से हमें तब तक घटाना है लास्ट में हमें पच्चीस फंदे ऊपर बचा लेने हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और एक आप छब्बीस भी रख सकते हो पच्चीस या छब्बीस फंदे आप शोल्डर पर रख लीजिएगा और उसके बाद ये जितने भी फंदे हमारे हैं ये हर फोर्थ रो में हमें नेक के साइड से घटाते हुए जाना है ठीक है और जो लेंथ है वो हमें करनी है साढ़े नौ इंच अगर हमारे फंदे पहले घट जाते हैं तो कोई बात नहीं पहले घटाने के बाद हम ऊपर फिर उसको सिंपल बनाते रहेंगे गले की तरफ से हम घटाना बंद कर देंगे लेकिन शोल्डर पे हमारे पास 25 या 26 फंदे होना बहुत ज़रूरी है ठीक है 25 या 26 फंदे हमारे रहेंगे फिर सवा इंच का बॉर्डर हमारा बाजू की तरफ से आएगा और सवा इंच का हमारा गले की तरफ से आएगा तो हमारा शोल्डर जो है वो काफी चौड़ा हो जाएगा ऊपर भी ठीक है तो अब मैं इसको कर लेती हूं कंप्लीट और फिर मैं दिखाती हूं आपको तो ये एक साइड का कंप्लीट हो गया हमारा नेक आर्मोल ये देखिएगा ये देखिए जहां से हमने गला और आरमूल घटाया था एक ही रो में हमने दोनों घटाए थे वहीं से हमने इसको नापना है ये देखिए ये वाली रो है ये यहीं से हमने इसकी लेंथ नापनी है तो ये साढ़े नौ इंच मैंने इसको तैयार कर लिया है अब हम दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही बनाएंगे तो दूसरी साइड बनाने के लिए जो फंदा जिसमें हमने ये मार्कर लगा रखा है सबसे पहले तो हम इसको अलग कर देंगे ठीक है इस फंदे का यूज हम गला बनाने के लिए करेंगे और अब अब हम इसमें लगाएंगे दूसरा धागा तो देखिए इस साइड को बनाने के लिए हम क्या करेंगे जो हम गले की तरफ से फंदा घटाएंगे वो तो हम सीधी साइड से घटाएंगे लेकिन जो आरमूल की तरफ से हम फंदा घटाएंगे वो हम उल्टी साइड से घटाएंगे यानी कि रॉन्ग साइड से तो जब हम यहाँ से वापस आएंगे तब हम आरमूल की साइड से घटाएंगे और गले की साइड से हम इस तरफ घटाएंगे तो ये डिफरेंस होगा इस तरफ नेक घटाने में और इस तरफ घटाने में और नेक की साइड से यहाँ पर हमने फ्रंट लूप से दोनों को घटाया था इस साइड में हम बैक लूप से घटाएंगे देखिए फर्स्ट रो में नेक की साइड से एक फंदा घटाएंगे बैक लूप से और बाकी जो हमारा पैटर्न है उसे हम वैसे ही रखेंगे तो ये आ गए हम आरमूल की तरफ देखिए अब आरमूल की तरफ हम उल्टी साइड से फंदे घटाएंगे अब उल्टी साइड से घटाएंगे तो फंदे भी हमें उल्टे ही घटाने हैं तो क्या करेंगे हम देखिए पहले हम दो फंदों को एक बनाएंगे फिर इस फंदे को वापस से निंडल में डालेंगे फिर दो का एक बनाएंगे दो फंदे घट गए तीन फंदे घट गए चार फंदे घट गए और ये पांच फंदे घट गए तो सेम उसी तरीके से हम जो ये वाला आर्मोल हमने घटाया सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी घटाएंगे आप धागा हम पीछे करेंगे और पूरी रो को बना लेंगे अब हम गले की तरफ आएंगे और लास्ट वाले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे धागा आगे करके लास्ट वाले फंदे को हमने स्लिप कर लिया और ये दोनों ये दोनों धागे में हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे अब आएंगे सीधी साइड में अब हमें एक फंदा घटाना है तो हम इसी तरीके से घटा लेंगे ये दोनों फंदे हमने उतारे और ये जो स्लिप किया हुआ फंदा था इसको हमने इसके ऊपर से उतार दिया ठीक है तो गले की साइड से हम पांच फंदे जो हैं उनको लगातार घटाएंगे। अब आ जाएंगे हम आर्मूल की तरफ और लास्ट वाले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था सेम वैसे और अब अब हम घटाएंगे चार फंदे देखिए पहले हमने दोनों फंदों को नीडल में लिया पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे से के ऊपर से उतारा एक फंदा घट गया दो फंदे घट गए तीन और ये चार और अब हमारा पैटर्न जो है वो कंटिन्यू रहेगा और अब आएंगे हम नेक की तरफ फिर से हम लास्ट वाले फंदे को स्लिप करेंगे अब सीधी साइड में दोनों फंदों को पहले हम सिलाई में उतार लेंगे और सेम इसी तरीके से ये जो हमने स्लिप किया था फंदा इसको हम इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे और फिर अपने पैटर्न को हम कंटिन्यू रखेंगे तो गले की तरफ से हमारे तीन फंदे घट चुके हैं अभी तक अब आरमूल की तरफ भी हम सेम लास्ट वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे अब हम आरमूल की तरफ कितने फंदे घटा चुके हैं पाँच और चार अब हम घटाएंगे तीन फंदे तो पहले हम दोनों फंदों को इस तरीके से नीडल में लेंगे पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे एक फंदा घट गया अब वापस इधर डालेंगे लेफ्ट में दो फंदे घट गए एक बार और तीन फंदे घट गए अब धागा पीछे करके पूरी रो को सीधा बनाएंगे अब नेक की तरफ फिर से लास्ट वाले फंदे को स्लिप करेंगे आज आ जाएंगे सीधी तरफ सेम इसी तरीके से पीछे वाले फंदे को स्लिप के वाले फंदे को उसके ऊपर से उतार देंगे तो ये हमारा फोर्थ स्टिच यहां पे डिक्रीज हो गया है चौथा फंदा घटा दिया है हमने अब आ जाएंगे आर्मूल की तरफ और फिर से हम लास्ट वाले स्टिच को स्लिप कर लेंगे अब क्या करेंगे अब हम आर्मूल में घटाएंगे दो फंदे पीछे वाले फंदे को पहले ऐसे स्लिप किया अब इसे एक साथ दोनों को भून लिया तो ये हमारे दो फंदे घट गए अब हम एक बार दो फंदे और घटाएंगे ठीक है तो क्या किया हमने पाँच चार तीन दो आप फिर से आएंगे गले की तरफ और लास्ट फंदे को स्लिप करेंगे अब गले में हम सीधी साइड आ गए और ये हमारा लास्ट फंदा है जो हमको कंटिन्यूसली घटा रहे हैं जो हम पांच फंदे हमें लगातार घटाने हैं तो उसमें ये हमारा लास्ट फंदा है और अब इसके बाद हम गले की तरफ से हर फोर्थ रो में एक एक फंदा घटाते जाएंगे सेम इसी तरीके से अब रो के लास्ट में आर्मोल की तरफ फिर से हम फंदे को स्लिप कर लेंगे अब हम आर्मोल की तरफ एक बार फिर से दो फंदे घटाएंगे एक फंदा घट गया दो फंदे घट गए ये देखिएगा। अब हम आगे गले की तरफ तो गले की तरफ इस बार हमें फंदा नहीं घटाना है इसलिए हम इस फंदे को बुन लेंगे अब आएंगे हम सीधी साइड तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे एक ही साइड से बुनना है हमें इस फंदे को तो हमने इसको बुन लिया है उल्टी साइड में अब हम इसे नहीं बुनेंगे अब अपने पैटर्न को हम कंटिन्यू रखेंगे और अब गले की तरफ से हम सेम उसी तरीके से फंदा घटाते जाएंगे जैसे हमने दूसरी साइड घटाया तो क्या किया हमने एक बार फिर से बता देती हूँ आपको देखिए स्टार्टिंग के पांच फंदे हमने लगातार घटाए हैं हर सिलाई पर घटाएं। अब हम फोर्थ रो पे घटाएंगे इस बार हमने नहीं घटाया यहाँ पर कोई भी फंदा अब जो रो हमारी आएगी उल्टी तब हम इस फंदे को स्लिप करेंगे और सीधी साइड में हम इस फंदे को घटाएंगे तो हर फोर्थ रो में अब इस तरफ से हम फंदा घटाते रहेंगे ठीक है गले की तरफ से और आरमूल की तरफ से मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको देखिए आगे हम आरमूल की तरफ और लास्ट फंदे को हम करेंगे स्लिप अब हम इस साइड से एक एक फंदा तीन बार घटाएंगे देखिए पहले हमने पांच घटाए फिर चार फिर तीन फिर दो फिर दो अब एक एक फंदा हम तीन बार घटाएंगे तो यहाँ पर हम एक फंदा घटा लेंगे दोनों को हमने इस तरीके से निडल में लिया पीछे वाले फंदे को हमने आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार दिया देखिएगा हम गले की तरफ आएंगे और इस बार हम फंदा घटाएंगे इसलिए हम लास्ट फंदे को स्लिप करेंगे सीधी साइड में सेम इसी तरीके से पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे और अपने पैटर्न को कंटिन्यू रखेंगे अब आरमूल की तरफ फिर से हम लास्ट वाले फंदे को स्लिप करेंगे अब एक फंदा हम घटा लेंगे पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतारेंगे धागा पीछे करेंगे और अपने पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे अब देखिए इस बार हम गले की तरफ फंदा नहीं घटाएंगे इसलिए इस बार हम लास्ट फंदे को भी बुन लेंगे ठीक है और अब गले की तरफ से पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और अपने पैटर्न को कंटिन्यू रखेंगे अब आरमूल की तरफ हमारा एक फंदा और घटेगा इसलिए हम लास्ट फंदे को एक बार फिर से स्लिप करेंगे जब हमारी कटिंग यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी ये लास्ट फंदा घटेगा अब नेक्स्ट टाइम से हम लास्ट फंदे को स्लिप नहीं करेंगे ठीक है तो जब हम ये फंदे घटाते हैं सिर्फ तभी हमें ये लास्ट फंदा जो है उसको स्लिप करना रहता है तो उल्टी साइड में हम यहाँ पर एक फंदा और घटा देते हैं धागा पीछे करके अपने पैटर्न को कंटिन्यू रखेंगे तो आरमूल की कटिंग हमारी खत्म हो गई है और गले की साइड से हम हर फोर्थ रो में फंदे को घटाते रहेंगे देखिए अब हम आ गए गले की तरफ और इस बार हम फंदे को घटाएंगे ठीक है लास्ट टाइम हमने नहीं घटाया था इस बार हम घटाएंगे इसलिए हम इस फंदे को यहाँ पर स्लिप करेंगे तो अब सेम इसी तरीके से दोनों फंदों को पहले हमने राइट नीडल में लिया पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से स्लिप किया ठीक है और अब अपना पैटर्न कंटिन्यू देखिए अब हम आर्मोल की तरफ कोई फंदा नहीं घटाएंगे इसलिए अब हम इस फंदे को बुन लेंगे ठीक है अब एक साइड से हम इस फंदे को बुनते जाएंगे और एक साइड से स्लिप करते जाएंगे आर्मोल की साइड में अब हम इस फंदे को स्लिप करेंगे पहले फंदे को धागा पीछे करके अपने पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे तो आरमोल की तरफ से हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है अब हमें सिर्फ नेक की तरफ से फंदे घटाते हुए इसकी लेंथ को कर लेना है साढ़े नौ इंच और ऊपर हमें रख लेने हैं ट्वेंटी फाइव स्टिचेस एक बार और समझिएगा नेक की साइड से इस बार देखिए हम फंदे को नहीं घटाना है हमें तो हम लास्ट वाले फंदे को बुन लेंगे ठीक है जब हमें घटाना होगा तभी हम उसको स्लिप करेंगे अदरवाइज हम इसको बुन लेंगे तो ये देखिएगा आर्मूल की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है और नेक की कटिंग अभी हम हर फोर्थ रो में यहाँ पर एक फंदा जो है उसको घटाते हुए जाएंगे ये घटाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है हर फोर्थ रो में हमें फंदा घटाना है जब तक हमारी निडल में ट्वेंटी फाइव स्टिचेज बचेंगे तब तक हमें हर फोर्थ रो में इस साइड से फंदा घटाते रहना है तो इसकी लेंथ जो है वो भी मैं साढ़े नौ इंच कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे तो ये वी नेक की जो हमारी कटिंग है और आरमूल की कटिंग ये हमारी फ्रंट साइड में कंप्लीट हो गई है ठीक है ये देखिएगा तो अब हम करेंगे बैक साइड की कटिंग बैक नेक कट करेंगे अब हम तो ये हमारी बैक साइड है देखिए 18 इंच तक बनाने के बाद आरमोल तक बनाने के बाद सेम जैसे हमने फ्रंट में आरमोल की कटिंग करी है वैसे ही हमने बैक साइड में भी करी है देखिए पाँच चार तीन दो दो एक इस तरह से एक साइड में हमारे बीस बंदे कट गए हैं ठीक है तो ये जो आरमोल की लेंथ है इसको मैंने रखा है नौ इंच फ्रंट साइड का हमने कितना रखा साढ़े नौ इंच बैक साइड का अभी हमारा कितना हुआ है नौ इंच नौ इंच अभी हमारा ये बन गया है ये देखिएगा जहां से हमने कटिंग करी है वहां से हम इसकी लेंथ को नापेंगे तो ये नौ इंच मैंने इसको तैयार कर लिया है ठीक है अभी ये हमें आधा इंच और बनाना है तो बैक नेक की कटिंग फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैक नेक का जब हम बॉर्डर बनाते हैं तो अगर हम कटिंग नहीं करेंगे तो जो हमारा बॉर्डर है वो पीछे से बैक साइड से वो फोल्ड होता है तो इसलिए बैक की कटिंग हम जरूर करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास नेडल में है नाइन्टी वन स्टिचेज़ तो क्या करेंगे हम देखिए फ्रंट साइड में हमने यहाँ पर शोल्डर पे ट्वेंटी फाइव स्टिचेज रखे हैं तो यहाँ पर भी हम दोनों साइड में ट्वेंटी फाइव स्टिचेज रखेंगे ट्वेंटी फाइव इधर ट्वेंटी फाइव इधर तो कितने हो गए फिफ्टी हो गए हमारे पास नाइन्टी वन में से हम फिफ्टी माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे फोर्टी वन तो फोर्टी वन स्टिचेज़ को हमें बीच में घटाना है मगर एकदम से नहीं घटाएंगे धीरे धीरे घटाएंगे तो क्या करेंगे हम देखिए जो हमारी साइड से राउंड में जो हमारी कटिंग होगी वो होगी दो दो फंदे फिर एक एक मतलब चार फंदे हमारे एक साइड से घटेंगे और चार फंदे हमारे एक साइड से घटेंगे तो आठ फंदे हमारे कम हो जाएंगे फोर्टी वन में से आठ फंदे हमारे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे थर्टी थ्री तो थर्टी थ्री फंदे जो हैं वो हम एकदम से घटाएंगे बीच में ठीक है देखिए नाइन्टी वन में से अगर हम बीच के थर्टी थ्री फंदे जो हैं वो निकाल देते हैं जो हमें एकदम से घटाना है तो हमारे पास बचेंगे 58 एट स्टिचेस ठीक है तो 58 में से 29 हम इधर बुन लेते हैं पहले और 29 पहले हमारे इधर आ जाएंगे ठीक है 29 नाइन स्टिचेज हम यहां पर पहले बुन लेते हैं और चार फंदे फिर हमारे धीरे धीरे करके उसमें से माइनस होंगे तो 25 हमारे पास यहाँ पे बच जाएंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह 19, बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस उनतीस फंदे हमने बोल लिए अब हम थर्टी थ्री स्टिचेस जो हैं यहाँ पर तैंतीस फंदे घटा देंगे देखिए दो फंदे दे घटे तीन चार पांच सात, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस, बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस और ये लास्ट बंदा हमारा तैंतीस थर्टी थ्री स्टिचेस हमारे घट गए आप देखिए हमारे पास ट्वेंटी नाइन बचने चाहिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह दूनी अट्ठाईस और एक के उनतीस ठीक है तो दोनों साइड में हमारे पास उनतीस उनतीस पंदे हो गए ये देखिएगा तो मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ ये उनतीस फंदे बुन लेती हूँ मैं देखिएगा ये हमने बुन लिया अब आरमोल के साइड से तो हमें कुछ भी नहीं करना गले की तरफ से हम घटाएंगे तो पहले हम दो फंदे घटाएंगे फिर एक एक घटाएंगे देखिए पहले हम इस साइड का गला बनाएंगे इस साइड से हम गला घटाएंगे तो हम ये लास्ट वाले फंदे को छोड़ के बाकी सारे फंदे बुन लेते हैं देखिएगा लास्ट वाले फंदे को हम स्लिप करेंगे और अब हम घटाएंगे दो फंदे तो पहले फंदे को हम देखिए दोनों फंदों को हमने इस तरह से नीडल में उतारा जैसे कि अब हम अभी तक आप समझ ही गए होंगे हमें कैसे घटाना है पीछे वाले फंदे को हम आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे तो ये हमारा एक फंदा घट गया अब इसको भी हम निडल में डालेंगे और इनको दो का एक बना देंगे तो दो फंदे हमारे यहाँ पर घट गए बाकी को हम भूल लेंगे ट्वेंटी नाइन में से दो फंदे हमने घटा दिए तो हमारे पास बचे ट्वेंटी सेवन फिर से हम क्या करेंगे लास्ट वाले फंदे को छोड़ के बाकी सारे फंदों को हम बुन लेंगे उल्टा देखिए लास्ट फंदे को स्लिप करेंगे और अब सेम इसी तरीके से पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से स्लिप कर देंगे अब हम एक ही फंदा घटाएंगे बस तो अब हमारे पास कितने बचे ट्वेंटी सिक्स स्टिचेस अब हम एक फंदा और घटाएंगे साइड से लास्ट बस इतना ही हमें घटाना है और हमारी जो आरमूल की लेंथ है वो भी कंप्लीट हो जाएगी साढ़े नौ इंच हमारी हमें चाहिए जितनी हमने फ्रंट में रखी है उतनी ही हम बैक में भी रखेंगे अब फिर से हम गले की तरफ एक फंदा छोड़ के बाकी सबको हम बोल लेंगे देखिए लास्ट फंदे को हमने फिर से स्लिप कर दिया अब बस इस फंदे को हम एक फंदे को और घटाएंगे सेम तरीके से देखिए बाकी फंदों को हम सीधा बोल लेंगे देखिए आप शोल्डर में हमारे पास यहाँ पर कितने फंदे बचे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और एक ठीक है पच्चीस फंदे हमारे यहाँ पर शोल्डर पे बच गए आप क्या करेंगे अब हम ये सारे फंदे जो हैं इनको हम बुनेंगे नहीं नीडल में ऐसे डाल के इस तरफ आ जाएंगे क्योंकि अब हम इस तरफ का ये बनाएंगे नेक तो ज़्यादा नहीं बुनना हमें सिर्फ चार फंदे हमें जो घटाने हैं गले में शेप देने के लिए बस उतना ही हमें बुनना है और उसमें हमारे शोल्डर की जो लेंथ है वो भी कंप्लीट हो जाएगी ये हमने बना लिया अब हम बनाएंगे इस साइड से तो अब इसी ऊन को थोड़ा सा फिनिशिंग के लिए छोड़ के इसी ऊन को कट करके हम इस तरफ लगा लेंगे तो इसे हम इस तरफ लगाएंगे धागे को तो क्या करेंगे देखिए ये जो हमने घटाए हैं पहले यहाँ से हम इसको उठा के प्रॉपर ताकि हमें अलग अलग ना दिखे इसके लिए हमने यहाँ से इसको हटा लिया उठा लिया फंदे को और अब या तो हम ये भी कर सकते हैं कि उसको उठा के हमने इसके ऊपर से उतार दिया ठीक है तो वो फंदा नहीं है वो जस्ट हमने थोड़ा फिनिशिंग के लिए ऐसा किया है जो फंदा हमने उठाया उस फंदे को हमने इधर वाले एक फंदे के ऊपर से उतार दिया अब हम घटाएंगे यहाँ पर दो फंदे एक दो और बाकी पूरी रो को हम ऐसे ही बनाएंगे वाइज अब देखिए सीधी साइड में लास्ट वाले फंदे को छोड़ के गले की तरफ से बाकी पूरी रो को हम सीधा बुन लेंगे नीट वाइज देखिए यहाँ पर एक फंदा छोड़ेंगे बाकी पूरे फंदों को सीधा बुन लेंगे देखिएगा लास्ट फंदे को स्लिप कर लिया हमने अब नेक्स्ट रो में स्लिप के हुए फंदे को हम इसके ऊपर से उतार देंगे इस तरह से तो कितने फंदे घट गए हमारे लास्ट रो में हमने दो घटाए थे अब हमने एक घटा दिया तो हमारे तीन फंदे यहाँ पे घट चुके हैं एक फंदा हम और घटाएंगे देखिए अब लास्ट वाले फंदे को छोड़ के बाकी सब फंदों को हम सीधा बुन लेंगे देखिएगा ये स्लिप कर लिया हमने और अब एक फंदा हम और घटा देंगे बस इसके बाद हमारी जो नेक की कटिंग है वो ख़त्म हो जाएगी देखिए एक फंदा घट गया अब बाकी सब फंदों को काउंट भी कर लेते हैं हम दो हो गए हमारे तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस और ये पच्चीस ठीक है दोनों शोल्डर पे हमारे पास पच्चीस पच्चीस फंदे जो हैं वो हो गए इसको हम बाद में फिनिशिंग करेंगे अब हम क्या करेंगे अब हम दोनों शोल्डर को बंद करेंगे देखिए ये हमारी बैक साइड है और ये हमारी सीधी साइड है तो अब हम फ्रंट साइड की जो हमारी सीधी साइड है ये वाली इसको अंदर करेंगे ठीक है दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमारी अंदर है और उल्टी साइड बाहर है तो अब हम यहाँ पर शोल्डर को स्टिच करेंगे तो आपको जो भी तरीका ठीक लगता है आप उस तरीके से कर सकते हो यहाँ पर देखिएगा मैं आपको नीडल से ही घटाना बताऊंगी ये दोनों मैंने इस तरीके से पकड़ लिए देखिएगा अभी हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को हम इस तरीके से लेंगे अब चाहो तो आप इसको सीधा भी घटा सकते हो सीधा बुन के भी और उल्टा बुन के भी घटा सकते हो देखो एक फंदा हम पीछे वाली नीडल से लेंगे एक आगे वाली नीडल से लेंगे और दो फंदों को हम एक साथ बुनेंगे मतलब हम दोनों का एक बनाएंगे देखिएगा ध्यान से देखिएगा एक बन गया अब फिर से हम ऐसे करेंगे एक फंदा पीछे से लेंगे एक फंदा आगे से लेंगे अब हमारे पास यहां पे नींडल में दो फंदे आ गए अब पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे ठीक है एक फंदा रह गया अब फिर से हम पीछे वाली नींडल से लेंगे एक फंदा एक आगे वाली से लेंगे दोनों का एक बनाएंगे और जब यहाँ पर दोनों आ जाएंगे तो पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे देखिए एक फंदा पीछे से लिया एक आगे से लिया पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार दिया एक फंदा पीछे से लिया एक फंदा आगे से लिया दोनों का एक बनाया और अब पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार दिया तो इस तरह से हम दोनों कंधे स्टिच कर लेंगे देखिए इस तरह से स्टिच हो जाएंगे हमारे कंधे तो ये मैं घटा लेती हूँ फिर दिखाऊंगी आपको तो बहुत टाइट भी इसको नहीं घटाना है और बहुत ढीला भी नहीं घटाना है जिस हिसाब से आपने स्वेटर में हाथ रखा है उसी हिसाब से आप इसको घटाने में भी रखिएगा तो फ्रेंड्स इसके जो शोल्डर हैं वो मैंने यहां पर स्टिच कर ली हैं ये देखिएगा ठीक है और इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करूंगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम इसका नेक का बॉर्डर बनाएंगे फंदे उठाना बताऊंगी बॉर्डर बनाना बताऊंगी और सेम शोल्डर में भी मैं फंदे उठाना और बॉर्डर बनाना दोनों आपको बताऊंगी ठीक है तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बता दूँ ये जो हमने आरमोल की कटिंग करी है ना डीप कटिंग ये हमने हाफ स्वेटर के लिए करी है अगर आप फुल स्लीव का स्वेटर बना रहे हैं तब आप इस तरीके से आरमोल नहीं घटाएंगे ठीक है तब आरमोल में इतनी कटिंग हमें करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर हाफ स्वेटर में हम इतनी कटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि अभी हमारा सवा इंच का यहाँ पर बॉर्डर भी आएगा जिसकी वजह से हमारा शोल्डर ये जो आर्मोल है ये थोड़ा छोटा हो जाएगा ठीक है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप फुल स्लीव का स्वेटर बना रहे हैं तब आपको आर्मोल इस तरीके से नहीं घटाना है तब आप क्या करेंगे जैसे हमने यहाँ पर घटाए हैं पाँच चार तीन दो दो एक, एक, एक. इस तरीके से घटाएं बीस फंदे घटाएं आप उसमें पंद्रह फंदे घटाएंगे कैसे घटाएँगे पाँच तीन दो दो एक, एक. इस तरीके से ठीक है तो पांच बंदे हम उसमें कम घटाएंगे तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय